नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद फिरोजाबाद जलेसर रोड थाना उत्तर क्षेत्र भगवान नगर में अपने घर के ही अंदर कमरे में चारपाई पर 18 वर्षीय युवक ने गोली मारकर हत्या कर ली। आपको बता दें कि मामला थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड टापा पेट भगवान नगर का है। मृतक सुरजीत कुमार के पिता आनंद ने आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोसी नरेश पुत्र पातीराम अपने पालतू कुत्ते को घुमाया करता था और पड़ोस में ही रह रहे सुरजीत कुमार पुत्र आनंद कुमार उम्र 18 वर्ष से पालतू कुत्ते के पीछे पहले भी रोजाना झगड़ा होता था। इसकी शिकायत कई बार थाना उत्तर क्षेत्र वैभव नगर चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह दरोगा से कई बार शिकायत की गई थी। मृतक सुरजीत कुमार के पिता आनंद कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह 9 बजे मेरी पत्नी और मैं चूड़ी की जुड़ाई का काम घर में कर रहे थे। मेरा पुत्र 18 वर्षीय चारपाई पर कमरे में सो रहा था। जब कमरे में फायरिंग की आवाज सुनी तो जाकर देखा, मेरा बेटा सुरजीत खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा मिला। परिजनों ने आनंद फानन में स्वशासी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के सिर में गोली लगने से मौत हुई थी। मृतक की बॉडी को पंचनामा भर पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही की जाएगी। अभी तक मृतक के परिजनों ने किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी है। सूत्रों की माने तो मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मामा हूँ, मैं पीछे गली में रहता हूँ, दूर। कौन से मोहल्ला है? मेरा बाबा सैनिक नगर है। अच्छा, ये कौन है आपका? ये मेरे जीजा है। मेरे लला को पहले काट डारो पौरात है, तब जे उठरे रहे नकी इन्हें बातनी कराओ। मैंने क्या नाम था उनका? मेरे को है भीमा और कमलेश और गौरव और बोलू राहुल, इन सब ने मारो तो मेरे लला काट डारो। तब की अब क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज गोली मार दी मेरे लला। किसने मारी है? नरेश ने और राहुल ने, जिन्हें कई घर वाले ने मार दी गोली। किसने मारी है? क्या नाम है जिसका जिसके गोली मारी है? इनका नाम सुजीत है और मेरी कोई सुनवाई नहीं है, थाने में कोई सुनवाई नहीं है। जब मैं गए बचाए तो मोह मारो तो हमने हाथ जोड़ी। कितने बजे गोली मारी उसने? कितने बजे मारी? 9:30 बजे उतरो लला मेरो गोली मारती तो कोई घर नहीं। मैं आता बात आओ मेरे पापा हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला भगवान नगर जलेसर रोड टापा पे हैं। थाना कौन सा पड़ता है? उत्तर। तो ये क्या मामला हुआ था आज? मामला क्या हुआ? पड़ोसी पे होता है जो मामला होता है। पड़ोसी कौन है आपका? पड़ोसी है कोरी समाज का है। अच्छा, क्या हुआ आज? क्या हुआ? बच्चे से ही पहुँचा हो गई सर। किससे? जो जो मृतक है जिसमें गोली मारी, क्या नाम है उसका? सुरजीत। कितनी उम्र है इसकी? 18 साल। 18 साल। तो आज क्या बात हुई जो गोली मार दी? कुत्ते के पीछे होती है जब होती है। ठीक। और मैं इमान धर्म से कह रहा हूँ, गोली इसने ही मारी। किसने मारी है? पैर नरेश चंद्र भीमा कमलेश राहुल गौरव और कई नाम है। क्या इनकी कोई दुश्मनी थी पहले इसे? क्या दुश्मनी थी? 3 महीना पहले किवार तोड़ के घर में घुस के हमारी बीबी को मारा था। यहाँ वो है उसकी वीडियो बनी है, सीडी बनी है, सीडी भी ये पूरा। पर दरोगा जी ने कोई उस पर कदम नहीं उठा कार्रवाई। कौन से दरोगा जी है वो? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह है चौकी इंचार्ज। कहाँ के हैं ये? वैभव नगर चौकी है। तो पहले भी सुनवाई पुलिस से 2 घंटा बैठा लेते हैं, बजा देते हैं। अच्छा, कोई दरोगा जी ने कोई सुनवाई नहीं की आपकी? थाना उत्तर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी पहले को? अगर ये सुनवाई कर लेती तो आज ये घटना नहीं होती। दरोगा जी के पास कही कि सब लोग तुम्हारे नाम जितने हैं सब आओ, तब तुम लोगों का नाम वो होगा, फैसला तुम लोगों करवा देंगे। और ज्यादा जब ही जाते हैं वहीं पे घंटे 2 घंटे बैठे रहते हैं। तीसरे दिन बाद
जगह जितने तुम्हारे उसने नाम लिखाए उतने तुम आओ, उसका तो जमानत हो गई, तुम लोग आते नहीं। तो इनने कही हमारे मुझे मारा, मैं आया हूँ, दूसरे को मैं क्यों लेके आऊँ। अच्छा, पहले आपने थाना उत्तर पुलिस ने पहले सुनवाई नहीं की थी? नहीं, नहीं कोई सुनवाई नहीं की। तो तीसरे दिन बाद झगड़ा होता कुत्ते के बजाय साहब, और हम लोग बचाने जाए तो हम लोग वहाँ भी नाम लिखा देते। आज क्या झगड़ा हुआ था? उसी कुत्ते को लेकर झगड़ा हुआ। ये लड़का अपने दरवाजे पर बैठा, वो अपने कुत्ते को बोला घुमा रहा था, इसने ये कह दी मानता नहीं है कुत्ता, दरवाजे के पास नहीं डालता है, उधर ही घुमाओ। तो तू काम में निकलेगा, हम ही में निकलेंगे, इतने विवाद होगा। मैंने अपने भांजे देगा, अपने आराम से घर में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चलाया हॉस्पिटल, इसे अंदर करे आया हूँ, और मैं हॉस्पिटल आ पाया हूँ तब तक मेरे पास फोन आ गया, सुरजीत के गोली मार दी किसी ने बाहर और ये मर गया। तो मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेके गया हूँ, तब तक ये ठेले पे लेके पुल के पास। उनके खिलाफ पहले थाना उत्तर में तहरी दी थी, मुकदमा है, वीडियो है, पब्लिक ऐप पर भी डलाया वीडियो। तो पुलिस ने कोई मामले को संज्ञान लिया था कि नहीं? कुछ नहीं, हम लोगों को ही बंद करते रहे, बैठाते रहे, आओ बैठो तुम आओ, और तुम्हारे घर के उनको बुलाओ, जिनको बुलाओ, किसी कोई नहीं। आखिरकार आज घटना, आज हमारा पूरा करवा दिया हमने, आज का कल करते करते हमारा एक आदमी मरवा दिया। तो जो गोली मारी है वो कितने बजे मारी और कौन लोग थे वो? 9 बजे का टाइम था, क्यों 8 बजे, 8:30। क्या नाम है जिन्होंने गोली मारी है? वही है जो पड़ोसी हमारे जी, आज बहन के बगल में मकान है उनका, नरेश और गौरव, कमलेश, बोलू और ये क्या बोलते हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी? पुलिस नहीं पहुंची, मैंने फ़ोन किया, 1 घंटा हो गया, मैंने महेंद्र सिंह को फ़ोन किया, मैंने ही गोली मार दी, मैं धर्मकांटे से लेके एम्बुलेंस आ नहीं रही, मैं इसमें सांस है, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, आप हॉस्पिटल आ जाओ या रास्ता मिल जाए। तो अभी आए थे दरोगा। कहां मारी थी गोली उनके, कहां मारी थी? वहीं बाहर। नहीं, इस अंग में कहां मारी थी, शरीर में? यहां पर लगी है माथे, यहां पर सिर में लगी है, कान के ऊपर, और इधर पार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब क्या हालत है उनकी? खत्म हो गए वो तो हाल, यहाँ पर जैसे ही इन्हें लेके आया इमरजेंसी तक, ठेले पर रख के ले आया, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाई, एम्बुलेंस लेट होने की वजह से यहाँ लेट हो गए, तब तक वो खत्म हो गया, सांस थी उसने ठेले में रख के लेके आया हूँ। ये जलेसा रोड पे थाना उत्तर क्षेत्र में सूर्य काम के व्यक्ति जो गोली लगी हुई अवस्था में ट्रोमा में आए थे, उनकी डेथ हो गई है, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा, उसकी जाँच की जा रही, जो भी सही हुआ ऐसी कार्रवाई की जा रही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।